हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। और जैसा आप देख ही सकते हैं, मैं सैमसंग गैलेक्सी A51 अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये बहुत सही फोन है, अगर आपने 25,000 से नीचे के फोन लेने और नॉन चाइनीज फोन लेने हैं तो उसके लिए बहुत सही ऑप्शन है। एंड आप ये देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो फटाफट से बॉक्स को ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके फ्रंट में हमें इसकी इमेज मिल रही है और A51 लिखा हुआ मिल रहा है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ। लेफ्ट साइड पे सैमसंग गैलेक्सी A51 लिखा हुआ मिल रहा है, राइट पे कुछ नहीं है। टॉप पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है IMEI वगैरह की और डिवाइस का नाम और कलर। प्रिज्म क्रश ब्लू कलर में है ये। इसमें एक और कलर भी आता है, उसकी फोटो मैं आपको डाल दूंगा। 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। बैक पे कुछ नहीं है और जो सबसे नीचे वाली साइड है उस पर थोड़ा सा मोबाइल के डब्बे के अंदर क्या क्या आता है वो दिया हुआ है। तो फटाफट से डब्बा खोल के देखते हैं। तो ये है हमारा मेन डिवाइस। सबसे पहले इसमें हमें एक चार्जिंग अडैप्टर मिलता है जो कि 15 वॉट का चार्जिंग अडैप्टर है। 25 वॉट का तो सैमसंग को देना चाहिए जितना मुझे लगता है। अगर सैमसंग 25,000 चार्ज कर रहा है तो 25 वॉट का चार्जर होना चाहिए इतने पैसों के साथ। 15 वॉट का चार्जर बट इट्स फाइन। एक हमें USB टाइप सी टू USB टाइप ए केबल मिल जाती है। ठीक है, सी टाइप केबल दे रहा है सैमसंग, जो बहुत अच्छी बात है। सी टाइप पोर्ट मैं बोलता हूँ, हर एक चीज़ में अब सी टाइप ही होना चाहिए। सी टाइप को स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। एक बड़े एवरेज से क्वालिटी के ईयरफोन्स हमें मिल रहे हैं जो सैमसंग ने दिए हैं। बहुत एवरेज क्वालिटी के हैं, इन ईयर टिप के साथ है अगर आप देख सकते हैं। टॉप वाले पोर्शन में अब सैमसंग जो करता है उसके नीचे हमें दे देता है, तो इसको निकाल के देखते हैं। तो इसमें हमें एक सैमसंग का एक और डब्बा मिल जाता है छोटा, जहाँ पे हमें एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। और अगर हम इसको खोलें, थोड़ी सी वारंटी और क्विक स्टार्टअप गाइड हमें देखने को मिल जाती है सैमसंग की ओर से, और एक TPU केस। तो ये है हमारा मेन डिवाइस, इसको फटाफट से निकाल के देखते हैं। प्रिज्म क्रश ब्लू कलर के साथ आता है जैसे मैंने बोला। तो ये है, बहुत बढ़िया कलर है, अगर आप देख सकते हैं रेनबो कलर्स भी शो कर रहा है, और वैसे ब्लू कलर है और पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा बट इसमें अलग अलग लाइंस भी दी गई है, अलग अलग कट्स दिए गए हैं इसको अलग सा लुक देने के लिए। और साइड्स में अगर आप देख सकते हैं थोड़ा अलग कलर है। तो फटाफट से डिवाइस का ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया। और या आप अगर नए हैं तो हम ऐसी ही बहुत सारी अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यूज़ करते हैं, तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू इट, थैंक यू। तो बैक पे हमें 4 कैमरास मिल जाते हैं। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कि कितने कितने मेगापिक्सल के कैमरास हैं। तो ये 4 कैमरास विद फ्लैश मिल जाती है, और जैसा आपका S20 में कैमरा का बैक है वैसा ही इसमें दिया गया है। तो लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत अच्छी बात है। अभी जो बैक है आपकी, ये बैक आपकी पॉलीकार्बोनेट बैक है बट आपको ग्लास फिनिश देती है, और सैमसंग इसको ग्लास्टिक बैक बोलता है। और नीचे हमें एक सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये है हमारी पूरी बैक। लेफ्ट साइड पे हमें पूरा डिवाइस प्लेन मिलता है, बस एक हमें सिम का पोर्ट मिलता है। तो देखते हैं इसमें कितनी सिम्स लगती है और एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए ऑप्शन है कि नहीं है। तो डुअल माइक्रो सिम लग जाती है इसमें, और साथ में एक्सपेंडेबल स्टोरेज माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन भी है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसमें साथ ही साथ 128 GB की स्टोरेज भी है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज है। तो अगर आपको कार्ड डालना है और बढ़ानी है तो आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट साइड भी बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ एक पावर अनलॉक की है और आपका ये वॉल्यूम रॉकर कीज़ है, तो पूरा बाकी प्लेन है। टॉप पे हमें सिर्फ एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, और बॉटम पे हमें सबसे पहले तो हमारा लेजेंडरी 3.5 mm हेडफोन जैक, जो अब सब फ़ोनों में नहीं देखने को मिलता, इसमें है। USB टाइप सी, जो बहुत अच्छी बात है, हर फोन में होना चाहिए। एक हमारा माइक्रोफोन है, और साथ में हमारे स्पीकर्स मिल जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं डिवाइस की जो फ्रंट है वो बहुत अच्छी है, थोड़ा राउंडेड है बट थोड़ा स्क्वेयरिश डिज़ाइन इसको देने की कोशिश की है, बिल्कुल राउंड नहीं किया, जो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को स्क्वेयर फोन बहुत अच्छे लगते हैं। टॉप पे आपको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं, और साथ में एक कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा। तो फटाफट से इस डिवाइस को बूट करके देखते हैं और सेट करके देखते हैं, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो हमारा फ़ोन स्टार्ट हो गया, इसको सेटअप कर लेता हूँ मैं फटाफट, जनरल से सेटअप कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो अगर आप देख सकते हैं हमें फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पिन और पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं फटाफट से फिंगरप्रिंट सेट करता हूँ। तो अगर आप देखिए, सिक्योर्ड बाय नॉक्स है। नॉक्स एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी सर्विस है, और सैमसंग ये सिक्योरिटी सिर्फ महंगे डिवाइसेस में देता है बट इस फ़ोन में भी दिया है। सस्ते डिवाइसेस में नॉक्स की सिक्योरिटी नहीं मिलती बट इसमें मिल रही है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। अच्छा, भी इन्होंने एक नोट दिया है कि हमें कोई भी स्क्रीन कवर या स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हुए। अगर हम स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो स्क्रीन प्रोटेक्टर या जो भी है वो हमारा फिंगरप्रिंट अलाउ करता है, वो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ सपोर्ट करने वाला ही होना चाहिए, नहीं तो ये ढंग से काम नहीं करेगा।
तो फटाफट से इसको सेटअप करते हैं। तो काफ़ी नीचे है इसमें दिया हुआ, ऐसे बीच में होना चाहिए मुझे जितना लगता है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बट ऐड हो गया है। तो अगर आप देख सकते हैं इसका अब हम फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करने वाले हैं, तो ठीक है काफ़ी फास्ट है और ये ऑफ स्क्रीन में भी चल जाता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, ऑफ स्क्रीन में थोड़ा सा स्लो है। तो ये इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये है हमारी फ़ोन की लुक, बिल्कुल जैसा एस या नोट सीरीज़ में लुक मिलती है वैसी मिल रही है और सब कुछ वैसा ही है। स्वाइप एक्शंस भी है, अगर आप चाहे तो इसमें स्वाइप एक्शंस डाल सकते हैं। तो फटाफट से इसकी सेटिंग्स खोल के पहले देखते हैं कि हमें इसमें एक्चुअल में क्या क्या मिल रहा है। तो ये वन यूआई 2.1 पे काम कर रहा है, एंड्रॉयड वर्जन 10 पे काम कर रहा है जो भी एंड्रॉयड का लेटेस्ट है अभी फ़िलहाल। और ये सारी इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है। नॉक्स वर्जन भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वर्जन भी मिल रहा है और इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 जून 2020 का है। अब आप देख सकते हैं 4000 mAh की टिपिकल कैपेसिटी मिल रही है हमारे को, तो मींस नियर अबाउट 3890 mAh की एक्यूरेट कैपेसिटी होगी बट 4000 mAh की बैटरी मिल रही है इसके साथ। इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं आता, सैमसंग का अपना एक्सिनॉस प्रोसेसर आता है, बट ठीक प्रोसेसर है, बहुत बुरा नहीं है। और सबसे बड़ी मैं बात करूँ, ये जो फ्रंट कैमरा है ये बहुत छोटा सा है, मीन जो पुराने सैमसंग के फ़ोन है उनमें थोड़ा बड़ा आता था ये इन डिस्प्ले वाला कैमरा, बट ये जो डिस्प्ले के अंदर इन्होंने इसमें कैमरा डाला है बीच में, ये काफ़ी छोटा कैमरा है जो बहुत अच्छी बात, लेटेस्ट लुक इसको देने की कोशिश की गई है। अगर आप स्क्रीन भी देखें, सुपर एमोलेड स्क्रीन है इसकी, 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और अगर आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है देखने के लिए, बहुत सुंदर स्क्रीन है और एच टू एच स्क्रीन है, बेजल्स भी बहुत कम है। नीचे का बेजल भी सैमसंग ने ऑलमोस्ट मिनिमम कर दिया है जितना वो कर सकते हैं, और साइड्स तो बेजल्स है ही नहीं। तो इसका एक बारी कैमरा चेक कर लेते हैं क्योंकि चार कैमरा है इसमें। तो ये है हमारा चार्जर, चार्जर के साथ हम चेक करके देखते हैं। अब इसमें हमारे को मैक्रो लेंस का ऑप्शन भी आता है, वो भी हम चेक करेंगे, और वाइड एंगल भी आता है। तो ये है हमारा वाइड एंगल, ये है हमारा नॉर्मल मोड, और एक्स्ट्रा ऑप्शंस के लिए जो हमारे मैक्रो वगैरह है वो हमें यहाँ आ जाते हैं। तो मैं इन सब के सैम्पल्स आपको डाल दूंगा वीडियो में ताकि आप चेक कर सकें। तो ये है वीडियो क्वालिटी आपके सैमसंग गैलेक्सी A51 की, और ऑडियो भी इसी से ही आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं। ये है सुपर स्टेडी मोड के साथ, अगर आप देखें तो मैं बहुत ज़्यादा हिला रहा हूँ और फिर भी ये कम हिल रहा है। तो सुपर स्टेडी मोड के साथ एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कैमरा। तो ये थे इस फ़ोन के सैम्पल्स, बहुत ज़बरदस्त सैम्पल्स थे क्योंकि सैमसंग इसको फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा बोलता है, जो फ्लैगशिप डिवाइसेस में कैमरा लगा होता है उसी लेवल का कैमरा इसमें लगा हुआ है। तो ये था जनरल सी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन हमारे A51 सैमसंग के फ़ोन की। और ये जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहते हैं मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।